ये एक रियल स्टोरी है जो मेरी माँ ने मुझे सुनाई थी। मेरी माँ छोटे शहर की रहने वाली है और ऐसा माना जाता है कि उस शहर में कुछ बुरी शक्तियाँ भी वास करती हैं। ऐसी ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ था मेरे नाना जी का। वो डायन थी, खुले बालों और सफ़ेद चेहरे वाली डायन। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वो कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वो पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि जंगल के रास्ते से अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसीलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे लेकिन उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई वो तेज तेज से रो रही थी। नाना जी को लगा कि वो जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने इस औरत से पूछा कि वो अकेले यहाँ क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है तो भी वो कुछ न बोली। नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपनी सिर पर घूंघट डाल रखा था जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। घर पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज आई सब भाग कर इकट्ठा हो गए। जब महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा कि आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि ये कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वो बिना कोई जवाब दिए रसोई की तरफ चली गई। रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी माँ ने उससे कहा कि सब भूखे हैं इसलिए जल्दी खाना बना दे। उसे रसोई में भेज तो दिया लेकिन माँ का मन अभी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद माँ रसोई पहुंची तो देखा अभी वो थैली से मछली निकाल रही थी। ये देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उससे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनेगा, कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था इसीलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही लेकिन उन्हें उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा कोई जरूरत होगी तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई लेकिन जब 10 मिनट बाद वो फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। उसके पैर जैसे वहीं जम गए, उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा कि वो औरत रसोई के स्लेब पर बैठकर कच्ची मछली खा रही है। सारी रसोई में हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था, बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वो मछलियां खाने में मगन थी इसीलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं कि कहीं वो और ज्यादा खतरनाक न हो जाए। माँ ने एक थाल उठाया और वो चूल्हे से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। कोयला उस डायन पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वो डायन तेज तेज से आवाज निकालने लगी। उसकी आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमावड़ा लग गया। वो डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और माँ की हिम्मत की दाद दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से डायन को भगाया नहीं होता तो न जाने क्या हो जाता।